हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम श्रीकांत। वंस अगेन आई वेलकम टू यू। दिस इज द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज द पोएम ऑफ क्लास टेंथ। दिस इज द फोर्थ पोएम ऑफ क्लास टेंथ। दैट दिस इज द वेरी ह्यूमरस पोएम एंड इन दिस पोएम वी विल फाइंड आउट दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाइड एन एनिमल। कैसे हम एक जानवर को पहचान सकते हैं, उसकी क्या। दिस इज द पोएम। दिस पोएम इज कंपोज बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स इज द पोएट एंड ही इज गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाइड एन एनिमल एंड दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स एंड व्हाट आर देयर आइडेंटिफिकेशन एंड हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, वट आर देयर कैल्ट कल्ट, उनके लक्षण क्या है, ऑन विच कल्ट, ऑन विच सिम्टम, ऑन विच एक्टिविटी वी कैन से दैट दिस वाइल्ड एनिमल। यानी किस आधार पर हम जानवरों को बता सकते हैं कि यह जानवर है। एंड दिस इज द वेरी ह्यूमरस एंड डेंजरस वे द पोएट इज गोइंग टू टेल यू। बड़ा मजाकिया और बड़ा खतरनाक तरीका है जिस तरीके से आपको बताने जा रहा है कि वह कैसे आप पहचान सकते हैं कि यह कौन सा जानवर है। So let us start this poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever you should go by chance to jungles in the east, अगर कभी by chance आपको मौका मिले जाने का, अगर आप जाते हैं पूरब के जंगलों में, ईस्ट के जंगलों में, एंड इफ देयर शुड बी टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, आपको एक लंबा और मोटा तगड़ा एक जानवर दिखाई देता हो, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, देयर इज नॉट डाइंग फॉर द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड बैठाने के लिए केवल यहाँ डाइन और लाइन लिखा गया है, बट दैट इज द वर्ड डाइंग। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वह दहाड़ देता है और आपको लगता है कि आपके प्राण निकल जाएंगे, आप मरने को हो जाते हैं, तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आप समझ जाइए कि यह एशियन लायन है। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज गोइंग टू टेल यू दैट हाउ विल यू आइडेंटिफाई एन एशियन लायन। एक एशियन लायन को आप कैसे पहचानेंगे। सपोज दैट इफ यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, मान लीजिए आप कभी मौके से कभी आपको चांस मिलता है, आप जाते हैं कहाँ पर, जंगल की तरफ, ईस्ट के जंगल की तरफ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहाँ आपको एक बड़ा सा लंबा चौड़ा ताकतवर जानवर दिखाई देता है, इफ रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वह आपकी तरफ दहाड़ देता है और आपको लगता है कि आप मर जाएंगे, आपके प्राण सूख जा रहे हैं, तो समझ जाइए, पहचान जाइए ये कौन है, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो यह कौन है, एशियन लायन है। सो द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट इज गोइंग टू टेल यू दैट आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, या कभी कभी आप इधर उधर टहल रहे हो, घूम रहे हो, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और उसी जंगल में घूमते हुए एक सज्जन, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक सज्जन जंगली जानवर आपको ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द येलो ग्राउंड, और येलो ग्राउंड हो इसका, यानी इसकी त्वचा येलो हो और उस पर ब्लैक की धारियाँ, ब्लैक कलर की धारियाँ हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और देखते ही अगर आपको खा जाता है, खा जाए आपको, तो द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो बड़ी साधारण सी बात है, आप समझ जाइए कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्स, तो ये कौन है, एक बंगाल टाइगर है, ये पश्चिम बंगाल का टाइगर है जो आपको खा गया, तो आपको पहचानने में बड़ी मदद होगी। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ वेस्ट बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज, हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड, ही द पोएट इज इन फनी, इन अ वेरी ह्यूमरस, इन अ डेंजरस वे ही इज गोइंग टू टेल यू दैट आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, यदि आप उसी जंगल में आगे बढ़ रहे हैं, टहल रहे हैं, और एक जंगली जानवर, एक सज्जन जंगली जानवर आपका क्या करता है, अभिवादन करता है, स्वागत करता है, जिसकी
जिसका शरीर का रंग बैकग्राउंड जिसका पीला है और उस पे काले रंग के धारियां बनी हुई है और आपको देखते ही खा जा रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है समझने में ये कि दैट इज द बंगाल टाइगर। कौन है वो? बंगाल टाइगर है। सो नेक्स्ट स्ट्रॉलिंग फोर्थ। स्ट्रॉलिंग मीन्स चहल कदमी करना, आगे बढ़ना। यदि आप टहलते हुए आगे बढ़ते हैं अ बीस्ट यू व्यू और एक दूसरे जंगली जानवर को आप देखते हैं हुज हाइट विद द स्पार्स इज पिपर्ड, जिसपे धब्बे, पिपर्ड मीन्स धब्बे, जिस पर स्पॉट पड़े हुए हैं, धब्बे पड़े हुए, स्पॉट बिंदुदार धब्बे पड़े हुए हैं। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे देखता है आप पे लेफ्ट करता है और उछलता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। आप समझ जाइए कौन है, लेपर्ड है या कौन है, लेपर्ड है। एंड इट विल ट्विल, इट इज नॉट ट्विल, इट इज इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। या दहाड़ेगा नहीं, दहाड़ के नहीं आपको दर्द देगा, आपको दहाड़ के नहीं डराएगा, बस आपके ऊपर छलांग लगाता रहेगा जब तक कि आपको वह मार नहीं डालेगा। देन इट इज द आइडेंटिफिकेशन, इट इज बाई दिस मेथड यू कैन नो दैट दिस इज द लेपर्ड। हाउ कैन यू रिकग्नाइज अ लेपर्ड, द पोएट इज टेलिंग टू यू। ही इज सेइंग दैट इन द फॉरेस्ट इफ यू आर गोइंग एंड इफ यू सी अ वाइल्ड एनिमल, देयर इज अ स्पॉट इज पेपर्ड ऑन इट्स बॉडी एंड दैट एनिमल लेफ्ट अपॉन यू, देन यू कैन रिकोगनाइज दैट इट इज़ द लेपर्ड। दिस इज द मैथड, दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज द लेपर्ड। सो वी हैव सीन दैट हाउ कैन यू रिकोगनाइज एन एशियन लाइन, हाउ कैन यू रिकोगनाइज वेस्ट बंगाल टाइगर एंड हाउ कैन यू रिकोगनाइज द लेपर्ड। सो नेक्स्ट द पोएट इज गोइंग टू टेल यू दैट हाउ विल यू रिकग्नाइज अ बियर, आप एक जंगली भालू को कैसे पहचानेंगे। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। अगर इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड की तरफ टहल रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर और एक प्राणी आपसे मिलता है, एक जानवर आपसे मिलता है हु हैग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बड़ी कठोरता से बड़ी तेजी से गले लगा देता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर। अगर कोई जानवर टहल रहा हो और आपको अपने गले लगाता हो, आलिंगन करता हो, हु हैग्स यू, जो आपको क्या करता है, गले लगाता है, देन यू बी श्योर दैट इट इज अ बियर। तब समझ जाइए कि यह कौन है, बियर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या यह भालू है या नहीं, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरसेस, तो आपको और ध्यान देगा और तेजी से दबाएगा और दबा के मार सकता है, मार डाल सकता है। देन इट इज मैथड टू नो दैट इट इज द बियर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इज द पोएट इज गोइंग टू टेल वेरी ह्यूमरस एंड वेरी डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई एन एनिमल। सो इट इज ओनली अ पोएम, यू आर नॉट गोइंग टू रिकग्नाइज आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन दिस वे एज इट इज रिटन। सो यू हैव नो दैट हाउ यू कैन रिकग्नाइज अ बियर, आइडेंटिफाई अ बियर। सो नेक्स्ट इज गोइंग टू टेल दैट टफ, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोबिस माइट नन प्लस। डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले जंगली जानवरों को पहचानना, अ नोबिस माइट नन प्लस यानी धोखा खा सकता है, नन प्लस मीन्स धोखा खा सकता है, अनजान रह सकता है, नोबिस मीन्स अ न्यू पर्सन हु इज़ अ न्यू इन दिस फील्ड, कोई भी जिस क्षेत्र में जिसको हम नौसिखिया कहते हैं, नया व्यक्ति जो अनजान हो, तो कोई भी एक नोबिस पर्सन कैन भी नन प्लस धोखा खा सकता है। व्हेन टू रिकग्नाइज टू थिंग्स द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द है ना दस, यानी एक क्रोकोडाइल, एक लकड़बग्घा दैट इज द है ना, एंड क्रोकोडाइल दैट इज द घड़ियाल मगरमच्छ। सो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हेना दस, यानी एक जो नया व्यक्ति होगा, नौसिखिया होगा, हु इज़ अननोन अबाउट दिस एनिमल्स,
दैट कैन बी डिसीव, दैट कैन बी नन प्लस, वह धोखा खा सकता है कैसे, किस चीज में, एक क्रोकोडाइल में और एक हेना में। हेना कम्स विथ मेरी स्माइल, व्हेन हेना इज गोइंग टू अटैक, व्हेन हेना इज गोइंग टू प्रे, जब एक हेना, जब एक लकड़बग्घा शिकार करने जा रहा होगा, तो दैट स्माइल्स, वह क्या करता है, मुस्कुराता है, बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि वह रो रहा है, रोकर शिकार करे, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज द क्रोकोडाइल। तो यह डिफरेंस है दो जानवरों में, अगर हेना शिकार करता है, हेना मुस्कुराता है, अगर मुस्कुराते हुए जानवर को आप जंगल में देख रहे हैं तो दैट इज हेना, एंड इफ दैट इज बीपिंग देयर इज द दैट इज क्रोकोडायल। सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंसेस, द एनिमल दैट स्माइल्स दैट इज द हेना, एंड दैट इज बीपिंग दैट इज क्रोकोडायल। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन स्माइलिंग एंड बीपिंग, इट मीन्स द हेना एंड क्रोकोडायल। द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा, द पोएट इज टेलिंग द ट्रू कैमेलियन इज स्माइल, कैमेलियन, ट्रू कैमेलियन इज स्माइल, अ लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक गिरगिट, कैमेलियन इज गिरगिट, एक गिरगिट छोटा होता है, अ लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, किसकी तरह से, एक लिजार्ड, एक छिपकली की तरह से छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं, नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इफ यू आर लुकिंग ऑन द ट्री, एंड ऑन द ट्री देयर इज नॉट एनी अनदर क्रीचर, नॉट एनी अनदर बर्ड एनिमल, एंड देयर इज अ स्मॉल क्रीचर दैट इज नॉट अ लिजार्ड, and that has not any ears, and that has not a single wing, and then you can surely understand, identify that that is the chameleon you are seeing on the tree. The true chameleon is small, a lizard sort of thing, he has not any ears at all, and not a single wing, if there is nothing on the tree, it is chameleon you see. The poet is saying that if you are looking at the tree, and on the tree there is not any bird and not another animals, and there is a small animal like the lizard, and it has not the wings and not the ear, so you can surely, you can undoubtedly, you can say that that is the chameleon. So this is the poem, and in this poem, in a humorous way, in a danger way, the poet is telling you that how can you recognize, identify animals, wild animals in the forest. Firstly, he, in the first stanza, he described about an Asian lion, and after that he described that the Bengal tiger, after that the leopard, and after that bear, and after that he tells that how can you recognize a hyena and a crocodile, and at last about a chameleon. So I hope that you have understand that this is a poem, that in this poem we have seen that the way of behaving, way of behavior of the wild animals, how they attack and what they do while attacking for their prey. So this is the poem, I hope you have understand fully. Okay, thank you, we will meet in the next poem. Okay, thank you.